तो इसका मतलब क्या है कि जो सात तारे हैं वो सात कलीसियाओं के दूत हैं, मगर वो दीपक नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, बस वो दीपक नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर यही गलती करने लगते हैं, वो सात कलीसियाओं के दूत को ही दीपक समझने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसके 20 पद से। जी हाँ, और इस 20 पद के हमने कई भागों को डिवाइडेड किया है, और इस 20 पद का जो भाग है हमने इस भाग का एक नाम रखा है, सात दीवट अर्थात सात कलीसिया। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य एक और उसके 20 पद से सात दीवट के बारे में सीखा था। सात दीवट का स्थान कहाँ पर है और वे इतने महत्व क्यों हैं, ये बातें हमने पिछले संदेश में सीखी थी, जो सात दीवट अर्थात सात कलीसियाओं का पहला भाग था। आज हम सात कलीसिया अर्थात सात दीवट या सात दीवट सात कलीसियाओं का जो दूसरा भाग है उसके विषय में हम सीखेंगे, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 20 पद से ही। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम कलीसियाओं को समझना चाहते हैं, सात कलीसियाओं को बात कर रहे हैं हम, अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन सात दीवटों को के बारे में जानना जरूरी है, और उन सात कलीसियाओं का जो भेद है जो दीवट के रूप में प्रकट किया गया है, या दीवट का जो भेद है जो कलीसिया के रूप में प्रकट किया गया है, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए एक बार फिर से हम प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसका 20 पद पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सात सोने की दीवटों का भेद। वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे सात दीवट सात कलीसियाएं हैं। क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सात तारों के बारे में हमने पिछले संदेश में बहुत कुछ सीखा, मगर आज हम जो सीख रहे हैं सात सोने की दीवटों के भेद के बारे में, और ये इसका दूसरा भाग है। जी हाँ, दूसरे भाग में जो है सात सोने की सात दीवटों का भेद है, और वो भेद क्या दिया गया है कि ये जो सात दीवट हैं ये सात कलीसियाएं हैं। इनको इनका जो प्रगटीकरण है, इनका जो रूप दिया गया है, ये सात कलीसियाओं के रूप में दिया गया है। अब दीवटों का जो रहस्य है वो यहीं खत्म नहीं होता है। पिछले संदेश में हमने सीखा कि वो दीवट क्या हैं, कहाँ पर हैं, किस स्थान में हैं, बहुत सी चीजें हैं, परंतु आज हम सीखेंगे कि दीवट है क्या। आखिर ये है क्या, ये महापवित्र स्थान में जो परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा तंबू का मंदिर बनाया, सुलेमान के द्वारा जो परमेश्वर ने मंदिर बनाया, उस मंदिर के पवित्र स्थान में। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि उस मंदिर के तीन भाग हुआ करते थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आंगन में जो हुआ करता था, एक हौद था और वेदी थी जहां पर बलि चढ़ाई जाती थी, और पवित्र स्थान था जहां पर रोटी रखने की मेज थी, धूप जलाने वाली मेज थी जिस पे धूप रखकर जलाई जाती थी, और सेवन कैंडल्स जो थे सात दीवट के स्थान थे, सात दीवट जो थे वो पवित्र स्थान में रखे जाते थे, और महापवित्र स्थान में क्या था, वाचा का संदूक था जिसमें टेन कमांडमेंट्स थे, और परमेश्वर जो था वहां पर विराजमान होकर बातचीत करता था। इस पवित्र स्थान में प्रत्येक दिन याजक जो था वो जाया करता था, खासतौर से किस लिए कि वो जो दीवट थे जिनके ऊपर सात दीपक रखे होते थे उनको जलाने के लिए, क्योंकि सांझ से लेकर सवेरे तक जो थे वो प्रत्येक दिन याजक जो था उनको जलाया करता था परमेश्वर के सामने। ये पवित्र स्थान की बात थी, और महापवित्र स्थान में जो याजक था वर्ष, बल्कि महायाजक वर्ष में एक बार जाता था, और वो भी लहू लेकर जाता था। ये फर्क है। तो हम बात कर रहे हैं पवित्र स्थान की जिसमें सात दीवट रखे होते थे, और उन दीवट के ऊपर जो था सात दीपक हुआ करते थे। आज हम बात करेंगे आखिर ये दीवट जो है, दीपक भी और दीवट दोनों के बारे में हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दीवट क्या है। जी हाँ, पहले इस बात को समझ ले कि दीवट है क्या। दीवट वो स्थान है जिस पर दीपक रखे जाते थे। जी हाँ, हम लोग
जब बहुत पहले की बात है, जब मिट्टी का तेल हुआ करता था, मिट्टी का तेल लाते थे, लालटेन में डालते थे या लैंप हुआ करते थे और उसमें तेल डालकर और उसको जलाकर पहले ताक बनाया करते थे, लोग ताक पर रख दिया करते थे अपने लैंप को या दिया जलाकर, जो कुछ भी है। आप जो बहुत पुराने लोग हैं उनको इस बारे में मालूम है, परंतु हम बात करेंगे कि आखिर दीपकों का जो रखने का स्थान है वो क्या है, कहां पर था। पहले हम पढ़ लेते हैं परमेश्वर के वचन से, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसका 20 से 21 पद तक। ध्यान दीजिएगा, निर्गमन की पुस्तक उसका 27 अध्याय उसका 20 से 21 पद तक यहां लिखा हुआ है, फिर तू इसराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे, मिला वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांस से भोर तक यहोवा के सामने सजाकर रखे। ये विधि इसराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहे। चलिए हम पढ़ लेते हैं लेव व्यवस्था 24 अध्याय और 1-4 पद तक पढ़ लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे, हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांस से भोर तक सजाकर रखे। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। यहां परमेश्वर का वचन देखिए क्या बता रहा है कि किस स्थान की बात कर रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पवित्र स्थान की बात कर रहा है, महापवित्र स्थान की नहीं। वहां दीपट होते थे और रोज आना याजक जो था उनको सजाया करता था और उसमें तेल डाला करता था और शाम से लेकर सवेरे तक जो था वो दीपक यहोवा के सामने जो थे वो जलते रहते थे। यानी जो 7 दीवट थे उनके ऊपर वो 7 दीपक जो थे वो रखे होते थे। परमेश्वर जो है अपने वचन से इन सारी बातों का जो है भेद प्रकट करता है और ये हमें जानना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो 7 दीवट है वो क्या है, वो दीपक का 7 स्थान है। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो 7 दीवट क्या है, वो 7 कलीसिया है। अब 7 कलीसियाएं जो हैं वो उन दीपकों का क्या है, स्थान है। अब दीपक को भी समझना जरूरी होगा क्योंकि 7 कलीसिया जो है वो उन दीपकों का स्थान है, तो दीपक क्या है फिर, इस चीज को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। मगर पहले दीवट के बारे में एक बात और जान लेते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है मती 5 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जी हाँ, देखिए मैंने क्या कहा था, अभी मैंने बताया कि पुराने समय में जब मिट्टी का तेल वगैरह हुआ करता था और लाइट का इतना वो नहीं था तो लोग लैंप और दिया वगैरह जलाते थे, लैंप और लालटेन वगैरह जलाकर कहाँ रखते थे, घर के अंदर एक ताक बनी होती थी उसके ऊपर रखते थे, जिसको आप दीवट भी कह सकते हैं। तो दिया जो है छोटा सा दिया होता है उसको जलाकर कहाँ रखते, दीवट पर। यानी दीवट जो है वो दीपक के रखने का स्थान कहलाया जाता है, जैसे हमने अभी पिछले उसमें भी पढ़ा था। ये चीजें समझना हमारे लिए जरूरी है कि अब ये क्लियर हो जाता है, यहाँ पर साफ शब्दों में जो भेद है वो प्रकट हो जाता है, वो खुल जाता है कि 7 कलीसियाएं जो हैं, यानी 7 दीवट 7 कलीसियां हैं और ये 7 कलीसियाएं वो स्थान है जिस पर दीपक रखे होते हैं। इन 7 कलीसियाओं के 7 दीपक जो हैं वो क्या हैं, पहले हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 का ही जब 16 और 20 पद पढ़ेंगे। अब 16वां पद देखिए क्या है, एक चीज को मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं क्यों 16वां पद पढ़ा रहा हूं, यह अभी बताऊंगा, पहले हम इसका 16वां पद पढ़ रहे हैं। और वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, उसका मुंह ऐसा प्रचलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। और यहाँ प्रकाशित वाक्य में भी 20 पद में भी लिखा हुआ है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, वो 7 तारे क्या हैं, 7 कलीसियाओं के दूत हैं। बहुत से लोग
इन सात कलीसियाओं के जो दूत हैं इसको दीपक समझ लेते हैं, ये दीपक नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूजन है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं वो सात तारे कहां पर हैं, यीशु मसीह के दाहिने हाथ में। दाहिने हाथ का मतलब क्या होता है, या हाथ में होने का मतलब क्या है, कि वो उसके अंडर हैं, वो उसके अधीन हैं। ये सात जो तारे हैं, पिछले संदेश में भी मैंने आपको ये सिखाया था, ये सात तारे सात संदेश वाहक हैं, यानी सात संदेश वाहक जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के अंडर काम करते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह जो उनको संदेश देता है, ये वो संदेश जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह देगा। यानी प्रभु यीशु मसीह जो है इन ये प्रभु यीशु मसीह के अधीन कार्य करते हैं, और ये प्रभु यीशु मसीह के संदेश वाहक है, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह पहुंचाता है। जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जिब्राइल फरिश्ता, जिब्राइल फरिश्ता जो है वो प्रधान सरदूत है, यानी संदेश वाहक है। यानी जितने भी सरदूत संदेश वाहकों की श्रेणी में आते हैं, उनका प्रधान जो है जिब्राइल फरिश्ता है। और जब परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ता को एक विशेष संदेश देने के लिए भेजा, तो उसको क्या भेजा, मरियम के पास भेजा, और वो मरियम के पास जो था परमेश्वर का एक विशेष संदेश लेकर आया, क्योंकि वो जिब्राइल फरिश्ता परमेश्वर का विशेष संदेश वाहक है। मगर यहां पर जो तारे दिए गए हैं, यहां फरिश्तों से मतलब नहीं है, यहां फरिश्तों का अर्थ नहीं, यहां पर पृथ्वी पर वो संदेश वाहक है मनुष्यों के रूप में, जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने निर्धारित किए हैं या नियुक्त किए हुए हैं। आप जब प्रेरितों के काम, रोमियो, कुरंतियों, तिमिथियों, जब आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि और परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत से लोगों को नियुक्त किया, किसी को प्रेरित करके, किसी को चंगाई का काम देकर, किसी को अनभाषा का अनुवाद करने के लिए, किसी को कौन सा, हर एक को जो है, किसी को भविष्यवक्ता बनाकर जो है कलीसिया में उसने नियुक्त किया। तो ये नियुक्ति है। यहाँ पर जो है ये सात कलीसिया क्या है, क्या है, सात समय काल है। ये सात समय काल का जो है जो युग है, ये उस युग के सात संदेश भाग है जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपना संदेश देकर भेजा है, कि तू हर एक समय के लोगों को ये संदेश दे। ये समझ में आ गई, जो इसका मतलब क्या है कि जो सात तारे हैं वो सात कलीसियाओं के दूत जो हैं, वो सात कलीसियाओं के दूत हैं, मगर वो दीपक नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बस वो दीपक नहीं है, बहुत से लोग यहां पर यही गलती समझ करने लगते हैं, वो सात कलीसियाओं के दूत को ही दीपक समझने लगते हैं। ये बहुत विशेष बात है। अब सात दीवट, सात कलीसियाओं के सात दीपक क्या हैं? देखिए, सात कलीसिया क्या है, दीपक के रखने का स्थान। तो अब दीपक के रखने का स्थान तो हमें पता चल गया कि ये सात कलीसियाएं हैं जो सात युगों के समय में प्रकट की जाती हैं, या सात युग में हर एक कलीसिया का वर्णन मिलता है। तो इनके दीपक क्या हैं? तो इनके दीपक भी उन सात युगों में जो है किस रूप में, किस तरीके से प्रकट होता है। चलिए पहले हम दीपक को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य चार अध्याय और उसका पांचवां पद है, यहां क्या लिखा हुआ है, जी हाँ, प्रकाशित वाक्य चार का पांच, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के सात दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो सात दीपक हैं, ये कौन हैं? ये परमेश्वर के, देखिए अब वहां कहां जल रहे हैं, स्वर्गीय मंदिर में। यहां पर ये स्वर्गीय मंदिर की बात हो रही है, यानी स्वर्ग का मंदिर, जो मूसा को तंबू बनाने के लिए मंदिर दिया गया था वो स्वर्गीय मंदिर का नमूना था। जी हाँ, तो इसलिए स्वर्गीय मंदिर की जब बात होती है तो पवित्र स्थान जो है वहां पर ये सात दीपक जो हैं वो जल रहे हैं, और ये सात दीपक क्या हैं, ये सात आत्माएं हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो प्रकाशित वाक्य में सात कलीसियाएं दी गई हैं, वो सात आत्माएं जो हैं वो उनका स्थान है, सात आत्माओं का स्थान वो सात कलीसियाएं हैं, और हर युग की आत्मा जो है वो अलग अलग दी गई है। परमेश्वर जो है इस बात को बताता है, जैसे हम यशायाह 11 और उसके दो पद में भी पढ़ चुके हैं कि जो सात आत्माएं थी परमेश्वर की, यहोवा के भय की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, ये हम पिछले संदेश में पढ़ चुके हैं, आपने सीखा होगा। वो सात आत्माएं किसके ऊपर हैं? सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर हैं, कि और वो लिखा हुआ है किसके, कि ईशे से एक
फूट फूट एक डाली जो है, एक शाखा जो है फूट निकली है, और वो किसके बारे में है? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया है कि वो सातों आत्माओं से यानी उन सातों चीजों से परिपूर्ण कौन था? यीशु मसीह था। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बड़ा स्पष्ट तरीके से बताता है। फिर जकरिया में क्या कहता है, देखिए जकरिया 4 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है। देखिए दीवट एक है परंतु उसमें 7 शाखाएं निकली हुई थी। जब आप निर्गमन में पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट तरीके से लिखा, और 7 शाखाओं में 7 दीवट बने हुए थे जो संपूर्ण सोने की है। उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक है, जो है 7 दीपक है जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। देखिए अब जकरिया जो है वो भी दर्शन देख रहा है। कहाँ का देख रहा है? पृथ्वी के मंदिर का नहीं देख रहा, स्वर्ग के मंदिर का दर्शन देख रहा है। और वो भी किस चीज का दर्शन देख रहा है? वो भी उन 7 दीपक का दर्शन देख रहा है। और वो 7 दीपक का दर्शन देखता है, इसका मतलब उन 7 आत्माओं का दर्शन जो है वो जकरिया भी जो है वो देख रहा है। और ये 7 दीपक जो थे यहोवा के सामने जो है जलाए जाते थे, जैसे अभी हमने निर्गमन 27 का पढ़ा था, खासतौर से 20 पद, जिससे दीपक जो है नित्य, नित्य का मतलब होता है रोजाना जलते रहें। और निर्गमन जब आप 40 का 25 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया जिस प्रकार से यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उस चीज को उसका भेद खोलती हैं, उस चीज की ओर इंडिकेट करती हैं जो प्रकाशित वाक्य के अंदर है। कोई भी चीज जो है परमेश्वर के वचन में है वो ऐसे ही नहीं लिखी हुई है कि सिर्फ उसी समय के लोगों के लिए थी। उस हर एक चीज का अपना एक अर्थ है जो आज के समय के लोगों के लिए भी जरूरी है और आज के समय के लोगों के लिए भी पूरा होता है। यहाँ जो है जब हमने लय व्यवस्था और 24 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़ा था तो वहां क्या था, हमने उसको पढ़ लिया था, मगर मैं यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा। 2 पद में क्या लिखा, दीपक नित्य यानी रोज जलते रहे। 3रे पद में क्या पढ़ा था हमने, यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजाकर रखे रहे यानी दीपक यहोवा के सामने जो है। और 4थे पद में क्या पढ़ा था, वे दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे उन दीपकों को। और उसमें दीपकों को सजाने का मतलब क्या था, उसमें तेल, उसको साफ उफ करके और उसमें तेल भरकर जो है वो यहोवा के सामने जो है रखे रहें, और सांझ के समय जो है उसे जलाए यानी शाम के समय उसे जलाया जाए, और भोर को जो है उसको फिर बुझाकर और उसको तैयार करके जो है फिर से नए सिरे से उसको तेल उल भर के और उसकी रुई हुई को जो भी चीज सिस्टम था वो सब नए सिरे से करके उसको दीवट के ऊपर रखा जाए। और यह प्रकाशित वाक्य जब 1 और 12 से 13 पढ़ते हैं तो यहोना जो है स्वर्ग के मंदिर में भी ये सोने के 7 दीपकों को देख रहा है, जो प्रकाशित वाक्य 4-5 में क्या बताया, ये 7 जो है 7 परमेश्वर की 7 आत्माएं। देखिए परमेश्वर की 7 आत्माएं वहां पर लिखा हुआ है जो ये हैं। तो इनको बारे में जो है समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं प्रकाशित वाक्य 1 का जरा 4 पद भी पढ़ देना चाहता हूं आपके सामने। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। ध्यान दीजिए, जो प्रकाशन मिल रहा है, जो प्रकाशन मिल रहा है, जो हमें दिया जा रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से तो है, परंतु इसके साथ साथ उन 7 आत्माओं की ओर से भी है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो उस सिंहासन के सामने, जो दीपक जो हैं, वो 7 दीपक जो हैं जो प्रज्वलित हो रहे हैं, जो जल रहे हैं, वो 7 आत्माएं यानी उनकी ओर से भी जो है ये संदेश दिया जा रहा है। और ये संदेश किसको दिया जा रहा है, उन 7 कलीसियाओं को दिया जा रहा है। उन 7 कलीसियाओं का मतलब उन 7 युग के लोगों को अलग अलग रूप में वो संदेश दिया जा रहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय पढ़ेंगे तब हम उन इन चीजों को और अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट की बात है, मैं अंत में यही चाहूंगा कि यहाँ पर एक बात हम अच्छे से समझ लें, 7 दीपक 7 दीपकों के रखने का स्थान है जो यहोवा के सम्मुख नित्य यानी रोज रखे जाते हैं। फिर है ये 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं, इन 7 कलीसियाओं के दीपक अर्थात 7 आत्माएं कौन सी हैं? जब तक इन भेदों को नहीं समझेंगे
तब तक हम सात कलीसियाओं के भेद को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि सात तारे सात कलीसियाओं के दूत हैं और ये दूत जो हैं दूतों को सात काल अर्थात सात समय काल में जो है अलग अलग ढंग से यीशु मसीह के द्वारा गाइड किया गया है। जब हम प्रकाशित वाक्य के दो अध्याय तीन अध्याय में उन सात कलीसियाओं के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह ने कैसे गाइड किया है, जी हाँ, और किस प्रकार से गाइड कर रहा है। तो इन संदेशों को जो है आप सुनते रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े भेद हैं जो खुलने जा रहे हैं। और लास्ट में मैं फिर से बस थोड़ा सा बताऊंगा, सात दीवट सात कलीसियाएं हैं और सात कलीसियाएं दीपक का रखने का स्थान है, और वो कौन से दीपक हैं? वो सात आत्माएं हैं जो हर एक युग से बात करती, और वो सात आत्माएं भी क्या हैं? जो जिनकी ओर से प्रकाशन दिया जा रहा है, प्रकाशित वाक्य दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इसमें बने रहिए और सुनते रहिए और देखते रहिए परमेश्वर के उन भेदों को, और उन भेदों को जानिए और सीखिए, और उन भेदों के अनुसार जब वो खुलते हैं तो उससे आनंदित होकर और उस भेद को सब तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि सब लोग परमेश्वर के इस प्रकाशित वाक्य की ब्लेसिंग्स को ग्रहण कर सके आपके साथ और आपके परिवार के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।